हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर अंशुल वाजपेयी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेपर 5 and 6 फॉर यूपीपीसीएस। एक्चुअली लास्ट ईयर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रिमूव्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड दे एडेड टू न्यू पेपर्स रिलेटेड टू जीएस। क्योंकि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का है तो हिंदी में भी कई सारी चीज़ें हम आपको बोलेंगे। ऑप्शनल को हटाने के बाद उन्होंने जीएस के 2 पेपर ऐड किए हैं और जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये दोनों पेपर अपने आप में निर्णयात्मक होंगे, डिसेसिव होंगे सिलेक्शन में। उसका कारण यह है कि पहली बार कोर्स चेंज हुआ है, किसी को इस संबंध में कोई आइडिया है नहीं, और जो भी स्टूडेंट इसको हल्के में लेने का प्रयास करेगा वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नुकसान उठाएगा। उसका कारण क्या है कि सामान्यतः जो स्टूडेंट इस फील्ड में काफ़ी पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो पेपर 1, 2, 3, 4 इसमें एक जैसा प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले वैकल्पिक विषय की बहुत बड़ी भूमिका होती थी सिलेक्शन को करवाने में, क्योंकि वैकल्पिक विषय में नंबर का गैप अच्छा खासा रहता था, 40-50 नंबर का वेरिएशन होता है वैकल्पिक विषय में। एक स्टूडेंट मेरा सिलेक्ट हुआ था, पहले उसके 200 से नीचे मार्क्स आते थे, फिर एकदम से 240, 250 तक आए और सिलेक्ट हो गया। अब वैकल्पिक विषय रहा नहीं, चारों पेपर में, शुरू के चारों पेपर में लगभग लगभग एक समान प्रदर्शन रहेगा स्टूडेंट का। ये 5वां और 6ठा निर्णयात्मक पेपर होगा और उसका कारण ये है कि स्टूडेंट इसको हल्के में लेंगे, क्योंकि ना तो उनके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे 5वें और 6ठे से संबंधित जिसका अध्ययन करके वो प्रश्नों की प्रकृति का अनुमान लगा लें, और ना उनके पास बाजार में उपलब्ध कोई ऑथेंटिक बुक होगी। जितनी भी बुक बाजार में उपलब्ध होंगी वो या तो पब्लिकेशन हाउस उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डेटा की होगी, या तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा निकाली हुई स्तरीय पाठ सामग्री होगी जो यूपी स्पेशल जो प्रीलिम्स के लिए निकाली जाती थी उससे संबंधित बुक होंगी। तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि 5वें और 6ठे पेपर की तैयारी हम विशिष्ट रूप से कैसे करें, इससे हम बहुत ज़्यादा मार्क्स दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में ले आएँ। और एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, और ये चीज़ केवल प्रेडिक्शन है, अनुमान है, लेकिन आप जब पेपर में बैठिएगा तो ये देखिएगा कि ये अनुमान 100% सत्य होने जा रहा है। जो प्रश्नों की प्रकृति होगी यूपी स्पेशल की वो इतनी गहराई में होगी कि कई सारे प्रश्नों के बारे में किसी भी विद्यार्थी को हवा भी नहीं लगेगी, और वो जब किसी भी बुक से उसको ढूंढेंगे तो उसके बारे में सही से लिख भी नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम सिलेबस की बात करें, पेपर 5 के सिलेबस में हम लोग देखते हैं ये सिलेबस है, जैसे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री सिविलाइजेशन कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। सामान्यतः जो विद्यार्थियों के दिमाग में ये होगा कि हिस्ट्री, जो यूपी की हिस्ट्री, वो प्रारंभ होती है वैदिक पीरियड से, या बहुत से लोग प्रागैतिहासिक काल में केवल 2 ही 4 शहरों के नाम जानते होंगे उत्तर प्रदेश के, जहाँ तक हमें लगता है प्रतापगढ़ में सराय नाहर रहा है। कितने स्टूडेंट ने नरहन कल्चर का नाम सुना है? शायद किसी ने भी नहीं। नरहन कल्चर का नाम किसी ने भी नहीं सुना होगा। तो अब इस पे अगर 60 नोट आ जाता है तो कितने लोग बता पाएंगे उत्तर प्रदेश की है? कितने लोगों ने लहुरा देवा का नाम सुना होगा? लहुरा देवा, जहां से हमें राइस के एविडेंस मिले हैं, धान की खेती के एविडेंस मिले हैं, वो भी 10,000 BC। और ये आपके बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़ से भी पुराना है। मेहरगढ़ में राइस के एविडेंसेस या एग्रीकल्चरल एविडेंसेस हैं आपके 7,000 BC, ये उससे भी पुराना है। कितने लोग जानते होंगे? तो मिर्जापुर की दूसरी संस्कृतियों के बारे में कितने लोग जानते होंगे? बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, कल्चर, ये अपने आप में इतने ज़्यादा डेप्थ में हो सकते हैं कि स्टूडेंट अगर 3 क्वेश्चन भी 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए
तो सामान्य स्टूडेंट उसको लिख नहीं पाएंगे। और ये डेप्थ में क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि जो पेपर सेटर होंगे वो उत्तर प्रदेश के होंगे, उनका सारा पीएचडी वर्क या जो जिनको भी रिसर्च करवा रहे होंगे वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही करवा रहे होंगे। तो ऐसे में वो डेप्थ में क्वेश्चन बना करके डेप्थ में आंसर की उम्मीद करेंगे, जो कि सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा। ये और भी जैसे ओसीपी कल्चर के बारे में कितने लोग सही से जानते हैं? उत्तर प्रदेश की है, बहुत कम लोग जानते होंगे। ये पीसी पंत की एक किताब आती है उत्तर प्रदेश की, कल्चर से रिलेटेड, प्रोफेसर थे, एक्स प्रोफेसर बीएचयू, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा किताबों की जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि आप कितनी सारी किताबें पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप किताबें पढ़ने के बावजूद भी उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो लेकिन जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे टफ जो सेक्शन पढ़ने वाला है वो यही सेक्शन पढ़ने वाला है जिसको सामान्य स्टूडेंट आसानी से नहीं कर पाएंगे, और वो ये है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये हिस्ट्री के, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री शुरुआत होती है पैलियोलिथिक से, प्रागैतिहासिक और प्री पैलियोलिथिक से होती है, इनफैक्ट लोअर पैलियोलिथिक से होती है, और ये जाती है आधुनिक काल तक। इसमें कई सारी चीजें, जैसे उत्तर प्रदेश में जो जो मेथोलॉजिकल इंसिडेंट्स हुए, जो हमारे रामायण महाभारत उसका भी प्ले केंद्र उत्तर प्रदेश रहा, शतपथ ब्राह्मण में जो गंडक रिवर है उसका भी केंद्र उत्तर प्रदेश रहा, उत्तर प्रदेश पूरे वैदिक पीरियड का एक क्षेत्र रहा है। तो उत्तर प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही रिच है। इसके बाद नगरीकरण जब हुआ तो महाजनपदों में भी लगभग लगभग ज्यादातर महाजनपद जनपद उत्तर प्रदेश में ही थे। साम्राज्यवाद जब आया, मौर्य साम्राज्य, तो उसका भी काफी हद तक सेंटर उत्तर प्रदेश ही रहा। इससे पहले बिहार भी था, ये नहीं कह रहे, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र इसके अंदर थे। इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म के मामले में भी उत्तर प्रदेश रहा। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को डिटेल में पढ़ना और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सांस्कृतिक आधार पर विश्लेषण करके, या सांस्कृतिक जरूरतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो जितने भी बिलीफ सिस्टम्स इमर्ज हुए उन सब का अध्ययन करना होगा हमें उत्तर प्रदेश में। तो ये अपने आप में कोई स्मॉल टॉपिक नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की तो राजधानी उत्तर प्रदेश थी, कन्नौज एक प्रोमिनेंट टाउन था, एक बड़ा शहर था उत्तर प्रदेश का, और पूरे देश की संस्कृति कहीं ना कहीं कन्नौज की तरफ झुकी हुई थी। जो ट्रिपल टाइड वार है, जो त्रिपक्षी युद्ध है, जो पालों प्रत्यारों और दक्षिण के चालुक्यों के बीच हुआ था, वो अपने आप में एक बड़ी बड़ी घटना है। तो उसको भी, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजपूत काल भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जयचंद्र भी उत्तर प्रदेश का ही था, कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश में एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका एक बड़ा महत्व है। तो इस वाले टॉपिक को कम से कम अगर कंप्लीट करने में, हमें नहीं लगता है कि ये पहले टॉपिक को कम से कम समय जो लगेगा केवल एंशियंट हिस्ट्री करने में लगेगा 15 घंटे, इससे कम टाइम नहीं लगेगा। ये इतना आसान नहीं है, बहुत डेप्थ में करना पड़ेगा, और इससे लगभग 2 प्रश्न आएंगे, और दोनों प्रश्न में इतने डेप्थ में आएंगे कि कई सारे स्टूडेंट को तो उसने नाम भी नहीं सुना होगा। क्वेश्चन पूछ दिया गया कि नरहन संस्कृति की सामान्य विशेषताएं लिखिए, नाम ही नहीं सुना होगा नरहन संस्कृति है क्या। पूछ दिया जाएगा कि मिर्जापुर की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की विशेषताएं लिखिए, आप बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको कई सारी साइट नहीं पता होंगी मिर्जापुर। क्वेश्चन आ जाएगा कि बेलन घाटी की मेगालिथ महापाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता लिखी है। अब बेलन घाटी की महापाषाण संस्कृति पता ही नहीं है, या ऐसे पूछ दिया गया कि बेलन घाटी की महापाषाणिक संस्कृति नर्मदा घाटी की महापाषाणिक संस्कृति से सर्वथा भिन्न थी, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब ना तो आपको नर्मदा घाटी की थोड़ी बहुत पता हो, या ऐसे पूछ दिया गया बेलन घाटी की महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से सर्वथा भिन्न थी, तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि बेलन घाटी की महापाषाणिक संस्कृति क्या है। ये पूछ दिया जाए कि बेलन घाटी के लौह काल, आयरन एज,
दक्षिण भारत के आयरन एज से पूर्णता भिन्नता। तब कहने का मतलब है इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो इतिहास के भी स्टूडेंट रहे होंगे उनके बस का भी नहीं आंसर को सही कर लेना, ठीक है। तो इसको आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस, म्यूजियम, आर्कि आर्कियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। तो लगभग दोनों को मिला करके हम अगर बात करें तो इसमें लगभग लगभग 20 घंटा तक लगेगा। और फिर कल्चरल पोर्शन जो उत्तर प्रदेश का है वो मिडाइबल से भी रिलेटेड पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश एक केंद्र रहा है भक्ति आंदोलन का, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे आपके रविदास हो, रैदास हो, इनका केंद्र रहा है। कबीर मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के जनक बोल सकते हैं कबीर को। कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अवधारणा बुद्धिज्म, शंकराचार्य के अद्वैतिज्म और कई सारी चीजें इनकी नाथ संप्रदाय और जैनों की शिक्षाओं से मिलती है। कबीर को भी हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कबीर उत्तर प्रदेश की धरती पे ही इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, प्रशासन के लगभग लगभग सभी सिद्धांत रामचरितमानस में दृष्टिगत होते हैं। पूछ सकते हैं कि रामचरितमानस में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको बताना होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है, रामचरितमानस में लोक कल्याणकारी का राज्य को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। और ये क्लास जो होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल पे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। प्योर इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। प्योर इंग्लिश में ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए क्योंकि हिंदी का भी पेपर होगा। अगर आप इतनी हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी, तो बहुत मुश्किल होगा यूपी के एग्जाम को पास करना। हाँ, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश के रहेंगे और इंग्लिश में डिक्टेशन भी होगा या और इंग्लिश में कॉपी भी चेक होंगी, टेस्ट सीरीज भी इससे रिलेटेड होगी, इंग्लिश में वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। हाँ, फिर इसमें जो टाइम लगेगा कि उत्तर प्रदेश का को भूमिका क्या रही 1857 के, 1857 से पहले के मूवमेंट में और 1857 के बाद के मूवमेंट में। देखो 1857 तो केंद्र ही रहा है उत्तर प्रदेश, 1857 भाई मेरठ से तो इसकी शुरुआत ही हुई है ना। इसके इससे पहले यहाँ पे कुछ सिविल मूवमेंट्स हुए थे, सिविल रिवेलियंस हुए थे यूपी में, कुछ एक जनजातियों ने भी यहाँ पे आंदोलन किया था लोकल लेवल पे। तो वो देखने के बाद 1857 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 का केंद्र उत्तर प्रदेश ही था वास्तव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर, पूरा उत्तर प्रदेश था लगभग लगभग। तो 1857 को तो हम लोग पढ़ेंगे, और बाद में 1857 के बाद जो राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत होती है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन होता है वो उत्तर प्रदेश में ही होता है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, जो इलाहाबाद में होता है जिसमें जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने वाले थे, बनाए भी गए थे इनफैक्ट। और ये वो दौर था जिसमें ब्रिटिश कांग्रेस से डर गए थे और उन्हें ऐसा लगा था कि अगर कांग्रेस को अभी खत्म नहीं किया तो कांग्रेस हमारे लिए नासूर बनेगी, और इसीलिए कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये लोग, ब्रिटिश ने एक दूसरा संगठन खड़ा किया था जिसका नाम है पैट्रियाटिक एसोसिएशन, पैट्रियाटिक एसोसिएशन। और इसको इसके दो लीडर थे, एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद टाइटल था ब्रिटिश का, शिव प्रसाद सितारे हिंद मतलब ज्वेल्स ऑफ इंडिया, सितारे हिंद स्टार ऑफ इंडिया सितारे हिंद, और ये भी उत्तर प्रदेश के ही हैं ध्यान रखिएगा। और दूसरा नाम था सर सैयद अहमद खान, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो कांग्रेस के चौथे सेशन के बाद उत्तर प्रदेश की भूमिका बढ़ती चली जाती है राजनीतिक दृष्टिकोण से। बंगाल विभाजन के टाइम भी उत्तर प्रदेश ने एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई 1908-09 में, तो उत्तर प्रदेश की उतनी भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश इसमें शामिल रहा है कुछ हद तक। 1916-17 के दौरान उत्तर प्रदेश में मजदूर और किसान दोनों लोग राजनीतिक रूप से इकट्ठे हो रहे थे। 1916 लखनऊ सेशन, ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है,
लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें जिसने समझ लीजिए आप कि पाकिस्तान की नींव डाल दी थी। तो ये अपने आप में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। 1916 में ये कांग्रेस की भूल थी इनफैक्ट, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, और कांग्रेस ने ये स्वीकार कर लिया था कि मुस्लिम लीग इज द सोले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स, कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। और यही कारण था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हुआ, पृथक निर्वाचन प्रणाली और ज़्यादा मजबूत हुई। इससे पहले 1909 में जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश के ही सैयद बिलग्रामी का भी नाम आपको याद रखना होगा। ये मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद में लिए गए थे। खैर, तो बताने का मतलब है कि राजनीतिक जागरूकता का केंद्र भी उत्तर प्रदेश रहा है, चाहे 1857 से पहले और 1857 से 1915-16 तक। 1918 में सबसे पहला अगर किसान आंदोलन हुआ या किसान संगठन बना, जिसमें पूरी तरीके से किसान का नेतृत्व था, किसान का बैकअप था। आप लोग ये सोचते होंगे कि किसान आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई, वो हुई बंगाल से, नील आंदोलन हुआ, चाहे पावना विद्रोह हुआ, चाहे, लेकिन ये सारे के सारे किसान आंदोलन बुद्धिजीवी द्वारा किए गए थे, संवैधानिक तरीकों से किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसमें सपोर्ट तो किसान आंदोलन का था, बट दीज वर नॉट लेड बाई द पीजेंट सेल्फ, दीज वर लेड बाई द इंटेलेक्चुअल्स हु वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, एंड दे नेवर डिमांडेड फॉर रिमूवल ऑफ द ब्रिटिश रूल, दे नेवर डिमांडेड फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। लेकिन 1918 में जो आंदोलन चला, इसमें यही था, ये पहली बार किसानों का नेतृत्व था, किसानों की भूमिका थी, और वो थी सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश किसान सभा, जिसका निर्माण हुआ। गौरीशंकर झा, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग सामने आए। 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा बनी। फिर इसके बाद दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में किसान सभाएं बनी, चाहे बिहार में किसान सभा बनी, इसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा 1922-23-24 में, आपने नाम सुना होगा, सहजानंद सरस्वती, और आंध्र प्रदेश किसान सभा, एनजी रंगा, तो इन लोगों की किसान सभाएं बनी। फिर 1917 में जो रूस की क्रांति हुई, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश पे पड़ा। उत्तर प्रदेश के नवयुवा, ध्यान रखना, पहली बार उत्तर प्रदेश के नवयुवा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर, लेनिन की विचारधारा से प्रेरित होकर संगठित हुए, और इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया, जिससे कि ब्रिटिश की सत्ता पलटी जा सके। और इस प्रकार के आंदोलन, जो वायलेंट आंदोलन कह सकते हैं या क्रांतिकारी आंदोलन था, उसके जनक थे राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ये भारत में एक सशक्त लोकतांत्रिक गणराज्य, फेडरल रिपब्लिक, आप फेडरल रिपब्लिक स्टेब्लिश करना चाहते थे, और ये भारत में एक संघीय व्यवस्था लाना चाहते थे, लेनिन से प्रेरित होकर के। फिर इन्होंने, आप जानते होंगे कि HSRA बनाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले तो इनका नाम था HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में इसका नाम HSRA हुआ, और फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह इसमें जुड़ते चले गए। तो काकोरी इंसिडेंट 9 अगस्त 1925 अपने आप में एक बड़ी घटना है। तो ये क्रांतिकारी मूवमेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जितनी भी पर्सनालिटी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूर आंदोलन हो, चाहे दलित आंदोलन हो, दलित आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी उत्तर प्रदेश के लोगों की। आपने नाम सुना होगा एका मूवमेंट, मदारी पासी का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, मदारी पासी, एका मूवमेंट, एका आंदोलन, जो हरदोई अवध क्षेत्र में हुआ था। तो इन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा। कई सारे उत्तर प्रदेश में फिर इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका आपको मदन मोहन मालवीय को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, और भी जो कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी के जनक थे,
आचार्य नरेंद्र देव, इन सारी पर्सनालिटीज को हमें पढ़ना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड जो हमें समय लगने वाला है, कम से कम 15 से 20 घंटे इसमें लगेंगे। इस पूरे दिन दोनों, तीसरे और चौथे में 20 घंटे इसमें भी लगेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज। उत्तर प्रदेश में रूरल और अर्बन तो बड़ा इश्यूज है, ट्राइबल तो जनरल है। हमारे यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में जो जनजातियाँ हैं, लखीमपुर के पास में जो जनजातियाँ रहती हैं, गोंड जनजाति रहती है और थारू रहती है, सॉरी थारू जनजाति रहती है, और गोंड भी हमारे यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुछ जनजातियाँ रहती है। तो जनजातियों की सामान्य समस्याएं क्या हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। जनजातियों के उत्तर प्रदेश के फेस्टिवल्स क्या हैं, त्यौहार क्या है, म्यूजिक क्या है, फोक डांस, लिटरेचर, लैंग्वेज, इन ये आसान है, इसमें उतना डेप्थ में आएगा नहीं, ये फैक्चुअल है। एक आध क्वेश्चन, ये शार्ट नोट्स वगैरह थोड़ा मोड़ा आ सकता है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, किसी को भी टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, 4 आवर्स में इनफैक्ट हो जाएगा, और एक आध क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आप जो भी पढ़ रखे होंगे GS पेपर 2 में, वो आपको इसमें ही पढ़ना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के बारे में जानना, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, उत्तर प्रदेश का वित्त आयोग जानना, इसकी नियुक्ति कैसी होती है, उत्तर प्रदेश में जो गवर्नेंस में गवर्नर की क्या भूमिका होती है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के भी रिलेशंस क्या होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने पेपर 2 अच्छे से पढ़ रखा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 आवर्स में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने पेपर 2 अच्छे से पढ़ रखा है। और अगर पेपर 2 ही अच्छे से पढ़ नहीं रखा है तो आपको पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा भाई अच्छे से। और ऐसी उम्मीद है कि जब 4 पेपर आपने अच्छे से कर रखे हैं, तब का इसमें समय हम बता रहे हैं कितना टाइम लगेगा। पेपर 1 2 3 4 आपको अच्छे से तैयार करने के बाद 5वें और 6वें पेपर के लिए ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विसेज कौन कौन सी है, पब्लिक सर्विस कमीशन इसका ये बना कब था, ऑडिटर की क्या भूमिका होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है, पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना, लखनऊ बेंच कब आई, हाई कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो ये भी काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी पेपर 2 से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें इसमें नई होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, तो उसके लिए हम लोग 4 घंटा सफिशियंट है। स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, कंसोलिडेशन फंड एंड कंटिजेंसी फंड, ये कॉमन रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसमें आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कब बना उत्तर प्रदेश के लिए, इसकी क्या भूमिका होती है, क्या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से इसका कोई संबंध होता है या नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन किस किन के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होती है, अभी रिसेंटली हुए थे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 आवर्स के लगभग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अभी पंचायती राज व्यवस्था हमने बताई थी, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था दूसरे राज्यों की पंचायती राज व्यवस्था से थोड़ा अलग है, इसके क्या अपने महत्व हैं, ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था होती है, चाहे रूरल और अर्बन दोनों में पूरे देश के अंदर होती है, क्योंकि ये 73वें 74वें संविधान संशोधन से ऐसा डिक्लेयर किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मेयर के चुनाव हो गए वो अलग तरीके से होते हैं, राजस्थान में अलग तरीके से होते हैं। तो दोनों जहाँ पर डायरेक्ट मेयर के चुनाव होते हैं या जहाँ पर इनडायरेक्ट मेयर के चुनाव होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़ थोड़ी डेप्थ में हमें जाननी पड़ेगी। क्या यहाँ पर इनडायरेक्ट चुनाव हो सकते हैं, जैसे रूरल जो पंचायती राज सिस्टम है जिसमें जिला पंचायत सर अध्यक्ष इनडायरेक्टली चुना जाता है, अप्रत्यक्ष चुना जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि जो सदस्य लोग हैं वो खरीदे जाते हैं और एक जबरदस्त भ्रष्टाचार है इसके अंदर, तो इसको क्या कैसे दूर कर सकते हैं, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुना जाना चाहिए, और या अगर जिला पंचायत सदस्य खरीदे जाते हैं तो जिला पंचायत सदस्य को हम कैसे इसको खरीदने को रोक सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज
पंचायती राज चुनाव को कैसे प्रभावित करती हैं, क्या पंचायती राज चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज का दखल बंद होना चाहिए, और क्योंकि है बंद, जो रूरल पंचायती राज सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का दखल नहीं है, डायरेक्ट दखल नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन अर्बन जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का दखल है, तो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का दखल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का दखल क्या उत्तर प्रदेश की स्थानीय मुद्दों को सुलझाने में नाकाम रहा है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, लगभग 6 घंटे लगेंगे इसमें। गुड गवर्नेंस क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर पहले बता ही चुके थे। इसके अलावा करप्शन को कैसे कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है तकनीकी की मदद से, लोकायुक्त क्या होता है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, ई गवर्नेंस और आरटीआई और रिड्रेसल पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या है, इस पे हम लोग देखेंगे। ये भी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इसको भी डिटेल में ही पढ़ना होगा। लैंड रिफॉर्म, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी एवोल्यूशन ला आया, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951, इसके तहत जो लैंड रिफॉर्म हुआ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म सक्सेस रहा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म फेल हो गया, क्या कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिज्म आया, अतिवादी लोग आए और नक्सलाइट मूवमेंट का भी इम्पैक्ट रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, चंदौली डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे नक्सल मूवमेंट रहा है, चंबल वगैरह में डाकू डाकू रहे हैं और बहुत दिनों तक रहे, 1990-95 तक वो एरिया डिस्टर्ब रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र, तो इसका क्या कारण है, उत्तर प्रदेश में जो क्राइम हो रहा है उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या भौगोलिक आर्थिक भौगोलिक समस्याएं उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या क्रिमिनल्स बाई बर्थ पैदा हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे, लैंड रिफॉर्म और उसके इम्पैक्ट, इसमें भी टाइम लगेगा, 4 आवर्स के लगभग इसको मान सकते हैं। इसी तरीके से ये जो सिक्योरिटी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, अतिवादिता क्या होती है, जैसे नक्सलिज्म या लेफ्टिज्म, अर्बन नक्सल कॉन्सेप्ट आया, कोई भी अतिवादी अतिवादिता खराब होती है, अच्छी अतिवादिता भी खराब होती है, जैसे सोशलिज्म अच्छा है लेकिन एक्सट्रीम सोशलिज्म खराब है, जब आप समाजवाद अतिवादी समाजवाद लाने का प्रयास करेंगे तो ये खराब है, ये भारत में अस्वीकार्य है, नेशनलिज्म अच्छा है राष्ट्रवाद लेकिन अति राष्ट्रवाद ये खतरनाक है, तो एक्सट्रीमिज्म हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये आपके सोशल इशूज जो पेपर वन है उसमें उससे मैच करेगा, तो इसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये टॉपिक्स उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके हम लोग करेंगे, तो थोड़ा सा डेप्थ में करना पड़ेगा, तो ये बेसिक रूल्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग ये हम लोग कर चुके होंगे पेपर 1-2 में, सिक्योरिटी इसको थोड़ा सा अलग करेंगे और डिटेल में करेंगे, तो कुल मिला के इसमें लगभग 8 घंटा के लगभग लगेंगे। देखो ये हम आवर्स क्यों लिख रहे हैं, आवर्स इसलिए लिख रहे हैं कि किसी भी विषय में आप मैक्सिमम आउटपुट तभी दे सकते हैं जब आप उसको सिस्टमेटिकली पढ़ें, ठीक है। इसके बाद मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज उत्तर प्रदेश में क्या है, स्टेट एजुकेशन सिस्टम क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पिन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ये क्या है, करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का, इम्प्लीमेंट्स ऑफ जनशक्ति मिशन, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, मिसलेनियस टॉपिक जिनको बोल सकते हैं, चाहे एनजीओज हो, चाहे टूरिज्म हो उत्तर प्रदेश में, चाहे और दूसरे मुद्दे हों उत्तर प्रदेश के, ये छोटे छोटे टॉपिक है और इनमें कुल मिला के 20 घंटे इसके अंदर लगेंगे, तो कुल मिला के पेपर 5 आपका तैयार हो जाएगा 20 और 28 28 और 4 32 48 46 551 4 55 59 463 और 20 83, और अदर्स अगर मान लो तो 90 आवर्स में ये उत्तर प्रदेश वाला अच्छे से तैयार हो जाएगा, और इसमें हमें ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, और ये निर्णयात्मक होने वाला है, इसकी टेस्ट सीरीज भी हमें बहुत ही डिटेल में करनी है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, ये इस
बैच को हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे। 90 आवर्स, 4 घंटे की अगर डेली क्लास मान लो तो 20 22 दिन लगेंगे इसमें, इसमें ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा लगभग लगभग, और इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग के साथ में। और इसको आप अच्छे से कर लेगा तो इसमें बहुत आराम से आपके 130+ मार्क्स आएंगे, अगर आप अच्छे से कर लेंगे। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो इसमें आपके मार्क्स आएंगे बिलो 100, और 130+ सिलेक्शन दिला देगा, बिलो 100 100% फेल करा देगा। और आपने सामान्य तौर पर अगर उत्तर प्रदेश इस वाले पेपर का अध्ययन किया तो डेफिनेटली 100 के आसपास ही नंबर आएंगे, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेनी है। पूरे पेपर को करना है अच्छे से, इस पूरे पेपर की जिम्मेदारी हमारी है, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। सारी आंसर राइटिंग्स जितने डायमेंशंस हो सकते हैं किसी भी प्रश्न के, किसी भी टॉपिक के, उतने सारे डायमेंशंस को अच्छे से कवर कराऊंगा, और ये एश्योरेंस रहेगा 130+ मार्क्स आने का, मैक्सिमम मार्क्स आने का, जितने भी आए किसी के भी तो उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।